वेलकम बैक टू द वीडियो। जब भी आप व्हाट्सएप खोल रहे होंगे एंड अगर आपका व्हाट्सएप अपडेटेड है तो आपको वहां पे एक फीचर मिल रहा होगा कम्युनिटी का। अब ये कम्युनिटी है क्या, इसे कैसे यूज कर सकते हैं और इसकी जरूरत थी या फिर नहीं थी, ग्रुप काफी थे क्या, सब कुछ इस वीडियो में मैं कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सिंपल सा प्रोसेस है, छोटी सी वीडियो होगी, सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप के। करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज चहल का नाम है अपकमिंग वर्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन, वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब। अब बात कर लेते हैं कि आप कम्युनिटी फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं और ये है क्या, एंड उसके लिए लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो यहां से आ गए हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। मैं दोनों में ही आपको बताने वाला हूं डिटेल में। अगर आप आईफोन यूज करते हो तो यहां पे आपको कम्युनिटी का फीचर मिला होगा, देखो यहां पे, ओके। एंड अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको कम्युनिटी का फीचर मिलेगा। अगर हम लोग व्हाट्सएप पे जाते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो, पहले यहां पे कैमरा होता था लेकिन कैमरा उठा के वहां कर दिया सर्च के पास, एंड यहां पे आ गया है कम्युनिटी का फीचर। अब बात कर रहे थे कम्युनिटी फीचर है क्या। एक बहुत छोटी सी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कम्युनिटी फीचर ग्रुप ऑफ ग्रुप है, यानी कि आप एक कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई स्कूल का ग्रुप है, ओके, एंड आपके मल्टीपल ग्रुप हैं स्कूल के, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप हैं। अब आपको मैनेज करना उन्हें मुश्किल हो रहा है कि यार कैसे मैनेज करूं, बहुत सारे ग्रुप हो गए, तो आप उन्हें एक स्कूल की कम्युनिटी में डाल सकते हो। उसी के साथ साथ अगर बात करें और क्या हो सकते हैं इसके फायदे, मतलब आपको ग्रुप मैनेज करना काफी इजी हो जाता है, यही मुझे इसका फायदा लगता है। आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पे दिख रहा होगा, जैसे आप कम्युनिटी पर टैप करोगे तो यहां पे आपको दिखेगा इजीली ऑर्गेनाइज योर रिलेटेड ग्रुप, सेंड अनाउंसमेंट, नाउ योर कम्युनिटी इज लाइक नेबरहुड स्कूल, कैन हैव देयर ओन स्पेस। समझ आ गया होगा जो ये लोग बोल रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल है या फिर आपका ऑफिस है या फिर आपका नेबरहुड है, आपका लगता है कि आपके अकेले गांव के, अकेले मोहल्ले के बहुत सारे ग्रुप है, तो आप उन्हें एक कम्युनिटी में डाल दो। एंड अगर कोई अनाउंसमेंट करनी है तो आप सिंपल उस कम्युनिटी में अनाउंसमेंट करो, सारे ग्रुप्स को एक बार में पता लग जाएगा। मुझे ओके ओके लगा ये फीचर, बट स्टिल हम देख लेते हैं आपको कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। बाकी हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं वो इस वीडियो में बता देता हूं। तो यहां से आपको स्टार्ट योर कम्युनिटी पे टैप करना है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने मल्टीपल ग्रुप है यहां पे आई जस्ट क्रिएटेड, आपको बताने के लिए, वरना मेरे बहुत ज्यादा ग्रुप है नहीं। तो मैंने एक ये ग्रुप क्रिएट किया है घर एंड एक ये फैमिली, ओके, लाइक फैमिली को ही मैं कम्युनिटी बना के आपको दिखा देता हूं। हम लोग कम्युनिटी फीचर पे जाते हैं एंड यहां से स्टार्ट योर कम्युनिटी पे हमें टैप करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ऑर्गेनाइज रिलेटेड ग्रुप, कीप चैट फोकस्ड, टीच एवरी वन एट वंस, वही जैसे हम लोग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना देते हैं एंड हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 20 ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 ग्रुप की लिमिट होती है, मिनिमम तो आप 1, 2, 3, 4 जितना करना चाहते हो कर सकते हो, ओके। तो यहाँ से गेट स्टार्टेड करना है एंड यहाँ पे आपको देना है कम्युनिटी का नाम, जो भी आप कम्युनिटी का नाम रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ परिवार, ओके, क्योंकि मैं फैमिली का बनाना चाह रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो कम्युनिटी जिसके बारे में भी, मतलब जो भी आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी कम्युनिटी के बारे में भी, ओके, दिस इज अ डेमो, कम्युनिटी ग्रुप, ओके, मैनेजर्स फॉर द डेमो से मैंने बना दिया। आपको फोटो लगानी है आप वहाँ पे फोटो भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपको जितने भी आपके ग्रुप हैं, या तो आप यहाँ पे एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज ऐड एग्जिस्टिंग ग्रुप, जिसके मैं ऑलरेडी बताया था ग्रुप्स ऑफ ग्रुप है, यानी कि कम्युनिटी बन जाएगी, कितने भी आप ग्रुप ऐड कर सकते हो अप टू 20, ओके। तो यहाँ पे आप अगर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, ओके, कोई ग्रुप क्रिएट कर लो जिसको ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। उसी के साथ साथ बात करो अगर जो एग्जिस्टिंग आपके ग्रुप है आप उन्हें ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप टैप करोगे तो मेरे जैसे दो हैं, ओके, जो मैंने आपको बताया कि मैंने अभी क्रिएट किया, तो यहाँ पे फैमिली एंड घर, ओके, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, इसे ऐड कर लेता हूँ इस कम्युनिटी में। एंड यहाँ से आपको करना है नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट करोगे एक कम्युनिटी बन चुके ऑलरेडी, यहाँ पे दो ग्रुप हैं, ओके, हम लोग यहाँ से करेंगे ओके। असली प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा, मैं आपको बता देता हूँ। वेलकम टू कम्युनिटी, एज अ मेंबर यू कैन सी एंड ज्वाइन ग्रुप इन दिस कम्युनिटी एंड स्टे अपडेटेड विद एडमिन अनाउंसमेंट। ये वैसे उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है जो एक सोसाइटी में रहते हैं, RW होता है उनका, तो वहाँ पे अलग अलग ग्रुप बने हुए होते हैं, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स को वहाँ पे यूज करके सारी कम्युनिटी को एक बार में ऐड कर सकते हो। कुछ अनाउंसमेंट करनी होती है तो आप तुरंत सारे ग्रुप्स में आपको करने की जरूरत नहीं है, एक ही कम्युनिटी में आप अनाउंसमेंट करो, सबको पहुंच जाएगी वो जितने ग्रुप्स में भी है, ओके। तो इस तरह मुझे यहाँ पे फायदेमंद लगता है, ओके, आपको कैसा लगता है स्टिल मैं पूछ रहा हूँ, आप कमेंट में लिख के बता देना। एंड यहाँ से हम व्यू करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा इस कम्युनिटी का,
ओके, जैसे आप RW लिख सकते हो या गांव का नाम लिख सकते हो, अपने ऑफिस का नाम लिख सकते हो या जिसका भी आपने कम्युनिटी बनाई वो यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे आप लगा सकते हो उसका फोटो गैलरी से लगे या फिर कैमरा यूज करके, जो भी इमोजी आपको यूज करना है इमोजी यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, इस तरह यहाँ पे ये मुझे काफ़ी ठीक लगा। एंड कम्युनिटी के बारे में हमने ऑलरेडी लिख दिया है एंड यहाँ से आपको दिख गया कम्युनिटी इस तरह की बन के आ गई है। अगर किसी को इनवाइट करना है आपको किसी पर्टिकुलर मेंबर को, तो यहाँ से किसी पर्टिकुलर मेंबर को आप इनवाइट कर सकते हो। यहाँ से लिंक भेज के उसे टैप करेंगे तो एक लिंक जनरेट हो जाएगा। इस लिंक को आप व्हाट्सएप के थ्रू या जिस भी आपके थ्रू यहाँ से शेयर करना चाहते हो आप सिंपल उसे शेयर कर सकते हो। ओके, एंड इसी के साथ साथ दूसरा आपको क्या दिखेगा, हम अभी किसी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ से अगर आपको ऐड ग्रुप करना है तो यहाँ से आप किसी भी ग्रुप को यहाँ पे कम्युनिटी में ऐड कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो बींग अ मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी, आप इसे एग्जिट करना चाहते हो, यहाँ से सिंपल एग्जिट कर दो। अगर आप एडमिन हो तो ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा डीएक्टिवेट कम्युनिटी का, आप यहाँ से इसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। अगर गलती से आपसे बन गया तो यहाँ से डीएक्टिवेट कर लोगे, ये भी आपको पता लग गया है। अब कम्युनिटी बन गई है, अब मैं आपको मैसेज भेज के दिखाऊंगा एंड वो एक मैसेज सारे ग्रुप में चला जाएगा जो भी मैंने यहाँ पे ऐड किए। ओके, तो अभी यहाँ पे कम्युनिटी बन गई है, मैं बैक जा रहा हूँ एंड यहाँ पे इस कम्युनिटी को आप देख लो, ये परिवार नाम से कम्युनिटी बन गई है। ओके, यू क्रिएटेड अ कम्युनिटी परिवार, दिस ग्रुप वॉज एडेड, तो दोनों ग्रुप हो गए। अगर कोई और ग्रुप इसमें ऐड करता है एडमिन या जिसको भी आप एडमिन बनाना चाहते हो वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट हो सकते हैं अप टू 1000। ओके, पहले क्या होता था ग्रुप में हम अराउंड या तो 100 या 200 हम लोग एक ग्रुप में ऐड कर सकते थे, अभी लास्ट अपडेट में हम लोग 200 कर सकते थे। बट वहीं अगर कम्युनिटी की बात करें तो हम 20 ग्रुप्स और अप टू 1000 मेंबर को हम कम्युनिटी में ऐड कर सकते हैं। ओके, ये आपको पता लग गया है। अब यहां पे अगर मैं कोई मैसेज लिखता हूं, दिस इज फॉर डेमो, ओके, मतलब जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने ये लिख दिया। अब आपको यही सेम चीज़ दोनों ग्रुप्स में पता लग जाएगी। यहाँ पे जैसे मैं किसी एक कम्युनिटी में एडिड हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख लो। ओके, ये कम्युनिटी पे आ गया है यहाँ पे एंड जो भी ग्रुप है दोनों ग्रुप में मैसेज चला जाएगा। जैसे आपको कोई ऐड करता है तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा उस कम्युनिटी का एंड यहाँ पे आपको दिखेगा ये, देखो मैंने ओके ये री अनाउंसमेंट, दिस इज फॉर डेमो एंड ये दोनों ग्रुप में चला आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह आप किसी भी कम्युनिटी को, तो यहाँ से वो कम्युनिटी बन गई है। ओके, तो इस तरह आप बना सकते हो। कम्युनिटी के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको क्या लगता है ये ठीक है नहीं है जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। बाकी कम्युनिटी के बारे में सब कुछ मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है कि आप 1000 मेंबर तक ऐड कर सकते हो, 20 ग्रुप तक ऐड कर सकते हो अगर आप एक एडमिन हो तो। तो ये था कम्युनिटी फीचर, आपको पता लग गया होगा क्या है, कैसे यूज करना है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एंड आपको कम्युनिटी फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। आपको लगा है कि यूजफुल है या नहीं है तो भी आप बता सकते हो। एंड उसी के साथ साथ वीडियो तो पसंद आई होगी, यस तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू सो मच।